फैसलाबाद मारूफ स्टेज अदाकारा आसिया अल मारूफ आफरीन खान टू ने प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि गुज़िश्ता 5 माह से उनके लिए परफॉर्मेंस अजीरन बना दी गई है। थाना जंग बाजार के सामने वाकया मनरवा गोल्ड थिएटर में परफॉर्मेंस के दौरान मलिक शहजाद उर्फ मलिक बादशाह अपने दो दोस्तों के हमरा स्टेज पर आ गया और इखलाक बाख्ता हरकत की, जिसके अगले दिन व्हाट्सएप पर फहश और धमकी अमेज मैसेजेस करके हरासा किया गया, जिस पर थाना वुमन में 3 मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और FIA के साइबर क्राइम विंग की तरफ से तफ्तीश शुरू होने पर मुलजिमान ने हरासा करना बंद कर दिया। साम हालिया ड्रामे में प्रोड्यूसर हाजी अब्दुल गफूर उर्फ बग्घा कसाई और जावेद भट्ट उर्फ काला भट्ट ने इनके साथ 3 हफ्तों की परफॉर्मेंस का जुबानी मुआहदा किया। मुआवजे के तकाजे पर खालिद मकबूल उर्फ मोनी भट्ट और उमर फारूक उर्फ चमची शराब के नशे में धुत होकर स्टेज पर आए और टांगों में गोलियां मारने की धमकियां देते हुए मुआवजे की अदायगी से इनकार कर दिया और बालों से पकड़कर घसीटते हुए कपड़े फाड़कर बरहना कर दिया। रेस्क्यू 15 की कॉल पर फैक्ट्री एरिया पुलिस पहुंची, जिन्होंने फटे कपड़ों के साथ तस्वीर बनाकर थाना ले गए और बयान रिकॉर्ड किया, जिस पर मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया, जिसके बाद मुलजिमान के साथ मुआफी तलाफी हो गई और मुआवजे की अदायगी की यकीन दहानी करवाई, मगर 2 दिन बाद फिर ड्रामा के दौरान थिएटर में घुसकर हवाई फायरिंग की, जिस पर थाना फैक्ट्री एरिया में एक और मुकदमा दर्ज हुआ, मगर इसके बाद भी हरासा करने का अमल जारी रहा। इन्होंने IG पंजाब CP और दीगर आला हुकाम से दरख्वास्त की कि वो फनकारों को तहफ्फुज दें ताकि फैसलाबाद के बाजों ड्रामा बीनों को अच्छी तफरी मिल सके और फनकारें बिला खौफ और खतर परफॉर्म कर सकें। जी यही मैं कहूँगी कि खुदारा मेरी दादरसी की जाए, मुझे इंसाफ दिया जाए इन बदमाशों से, मुझे और ऐसी बहुत सारी आर्टिस्ट हैं उनको तहफ्फुज दिया जाए और जो प्रोड्यूसर है बग्घा कसाई इससे मेरी बाकी पेमेंट ली जाए, और यह कि मुझे जान का बहुत बड़ा खतरा है, देन ही मैंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वरना किसी के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो इस तरह की एक्स्ट्रा एक्टिविटीज करें। लेकिन मैं रात से, कल से मुझे बहुत थ्रेड किया जा रहा है, कल से मुसलसल जब से ये पता चला मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगी हूँ, आए गए मतलब कोई ना कोई होटल में आ रहा है, वो फ़ोन पे इसे थ्रेड नहीं कर रहे कि रिकॉर्डिंग्स हैं और बहुत कुछ है, अब वो फेस टू फेस अपने बंदों को भेज के मुझे धमका रहे। मैं गाड़ी में आती हूँ तो रोक के तो करते हैं, जाती हूँ तब खाना खाने जाती हूँ, पार्लर जाती हूँ, जहाँ भी ईच एंड एवरी थिंग जहाँ भी जाती हूँ ये रास्ते में रोक के मुझे थ्रेड करते हैं। मैंने इस बारे में बात नहीं की, लेकिन मैं अभी चाहूँगी कि मुझे एक असले का लाइसेंस दिया जाए, मुझे एक गन मैन जिसको मैं रखूँ अपने सेल्फ डिफेंस के लिए, और उसके लिए मैं भी इंशाल्लाह पेपर जमा करवाऊंगी, क्योंकि अब मैं रिस्क कोई नहीं ले सकती, क्योंकि मेरा रोजगार ही यही है, जरिया है माश ही यही है। खुदा न खास्ता कल वो मुझे फायर मार देते हैं मेरी टांगों पे या कुछ, तो मेरा कोई भी नहीं है, मैं खुद ही सर्वाइव करती हूँ घर को।